Good morning, dear students. And welcome back to our online class. Myself, Ditya Harchandani, your English teacher. Students, in our previous classes, we have completed our one chapter from English textbook and three chapters from English grammar textbook. Okay, English grammar में हमने three chapters finish कर दिए हैं. First one was the sentence. Second one was the kinds of sentences and third one was subject and predicate. और English की textbook में भी हमने हमारा जो first chapter था, जो poem थी Deep in Our Refrigerator, वो finish कर दी है. Today we will start with our second chapter in English textbook और उसका नाम है Oscar Penguin's New Penguin Suit. Penguin क्या होता है? Let me tell you. Penguin जो है एक ऐसा bird होता है जो mostly हमें जो snowfall वाली areas होती हैं वहाँ पे मिलते हैं देखने को. Okay, आपने देखा तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो हमें penguin देखने को मिलता नहीं है. ठीक है, जहाँ पर snow होती है ना वहाँ पर ये penguins देखने को मिलते हैं. So हम इस chapter को start करेंगे. It's a small story, एक penguin की छोटी सी story है. तो मैं आपको textbook में से chapter read करती जाऊंगी और explain करती जाऊंगी. So please open your page number
एक दिन क्या हुआ, ऑस्कर पेंगुइन को एक बड़ा सा सरप्राइज लगा मिला। ऑस्कर नीडेड अ न्यू पेंगुइन सूट। ऑस्कर को एक न्यू पेंगुइन सूट की जरूरत थी, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं ना, तो ऑस्कर को भी डिफरेंट पेंगुइन सूट्स पहनने को चाहिए, तो उसे एक न्यू पेंगुइन सूट की जरूरत थी। व्हेन ऑस्कर वेंट विथ हिज मॉम टू गेट अ न्यू पेंगुइन सूट एट द पेंगुइन सूट स्टोर, ऑल द सूट्स वर टू स्मॉल, नन ऑफ द सूट्स फिट ऑस्कर। अब जब वो अपनी मॉम के साथ न्यू पेंगुइन सूट लेने के लिए पेंगुइन सूट के स्टोर पे गया, तो उसने देखा वहाँ पे तो सारे जो सूट्स हैं वो स्मॉल है साइज में, और उसे कोई भी सूट फिट नहीं आ रहा। अब कैसे फिट आएगा, पूरा दिन तो वो जेलीज और कैंडीज और कुकीज खाता रहता है, हेल्दी फूड तो उसने कभी खाया नहीं। जैसे आप लोग खाते हैं ना पिज़्ज़ास, बर्गर्स एंड ऑल, फ्रेंच फ्राइज और वगैरह वगैरह जो भी स्नैक्स हैं, जंक फूड्स हैं, तो इसी तरह से ये भी पूरा दिन वही खाता था। तो ये खा खा के उसका वेट जो है गेन हो गया, वो मोटा हो गया। अब सारे स्टोर में जो भी सूट्स थे वो सब उसे छोटे हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, वो पहन ही नहीं पा रहा, कुछ भी उसको फिट नहीं आ रहा। ऑस्कर वॉज वेरी अपसेट, ही कॉल्ड आउट, मॉम व्हाट एम आई गोइंग टू डू, नन ऑफ द पेंगुइन सूट्स फिट मी, व्हाट एम आई गोइंग टू वेयर। अब वो बहुत ही अपसेट हो गया क्योंकि उसे एक भी सूट अपने फिट का नहीं मिला, साइज का। तो बोलता मामा अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या पहनूंगा, इसमें से तो एक भी सूट मुझे फिट नहीं हो रहा। ऑस्कर्स मॉम स्माइल्ड सेइंग, ऑस्कर लेट गो होम एंड टॉक, आई नो व्हाट यू कैन डू टू फिट इनटू अ न्यू पेंगुइन सूट। अब उसकी मम्मा स्माइल करती है क्योंकि उसे तो पता है कि पूरा दिन जेलीज और कैंडीज खाता रहता है, तो इसका वेट तो गेन होना ही था। तो इसने कहा कि हम घर चल के बात करेंगे और मुझे पता है कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे तुम्हें पेंगुइन सूट जो है फिट आ जाए, ओके। व्हेन दे गॉट होम, ऑस्कर्स मॉम सेड इन अ जेंटल वॉइस, ऑस्कर देयर आर थ्री थिंग्स यू कैन डू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब घर जाकर उसकी मम्मा कहती है कि ऑस्कर तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस हैं, तुम तीन चीज़ें कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। यू कैन स्टॉप ईटिंग जंक फूड एंड स्वीट्स, सबसे पहले तो ये जंक फूड और स्वीट्स खाना बंद कर दो। यू कैन स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, चिकन एंड फिश। तुम अब हेल्दी खाना स्टार्ट कर दो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, सीरियल मतलब गेहूँ और बाजरा, ये सब जो होता है ना, ये सब खाना स्टार्ट करो, चिकन और फिश जो पेंगुइन्स खाते हैं। एंड यू कैन बिगिन डूइंग अ बिट ऑफ जिगल जिगल जॉगिंग, और तुम्हें थोड़ी सी रोज जॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। श्योर मॉम आई कैन डू दोज थ्री थिंग्स, स्माइल्ड ऑस्कर एंड ही डिड। वो बोलता है हाँ मम्मा अब मैं ये तीनों चीज़ें करूँगा, और वो उसने ये सब करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऑस्कर पेंगुइन एट हेल्दी फूड्स, जिगल जिगल जॉग्ड, ईच डे बिकेम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड गेट अ ब्रांड न्यू पेंगुइन सूट। अब उसने हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया, जंक फूड खाना बंद कर दिया, और रोज वो जॉगिंग करने लगा, और इस तरह से वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो गया, और फिर उसने एक न्यू पेंगुइन सूट ला दिया। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये स्टोरी जो है पेंगुइन की बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही अच्छी सी एक लेसन है कि हमें भी ज़्यादा जंक फूड और ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाने चाहिए, और हमेशा